सो हेलो गाइस, मैं रिवर में और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड के बारे में। उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं, इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, अगर कोई एडल्ट व्यक्ति इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता है तो उसमें इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और कुछ इसके प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसी सावधानियाँ हैं इस मेडिसिन को लेकर जिसे आपको जाननी ज़रूरी होगी। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल या तो फिर लीवर की समस्या से परेशान हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड एक हेपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन है। ये मुख्य रूप से आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल किन बीमारियों में सबसे बेहतर किया जाता है। तो इसमें से जो पहला है वो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उस सिचुएशन में उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। गॉल ब्लडर के स्टोन को ख़त्म करने के लिए भी उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो गॉल ब्लडर में स्टोन होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आपके गॉल ब्लडर में स्टोन की समस्या है कोलेस्ट्रॉल के कारण तो उस सिचुएशन में भी उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है। यानी गॉल ब्लडर में जो स्टोन है उसे ख़त्म करने के लिए भी उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। लीवर के समस्या में, अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम्स है, लीवर की समस्या उसी सिचुएशन में पता चलती है जब आप LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, SGPT या तो फिर SGOT अगर आपका बढ़ा हुआ है, यानी आपका लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर इनलार्जमेंट है या तो फिर लीवर में किसी और भी तरह के प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं तो उस सिचुएशन में भी उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। यानी अगर आपको गॉल ब्लडर में स्टोन की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या तो फिर लीवर प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड के काफ़ी सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ब्रांड्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स को मेंशन किया गया है। तो आप एक बार ब्लॉग भी पढ़ लें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप जानते हैं उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का साइड इफ़ेक्ट सभी व्यक्तियों में नहीं देखा गया है, लेकिन जिन व्यक्तियों में भी इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो काफ़ी कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। इसका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो डायरिया की समस्या है या तो फिर लूज मोशन की समस्या है। जब भी आप इस मेडिसिन को खाएंगे तो आपको डायरिया की समस्या हो सकती है, लूज मोशन की समस्या देखी गई है। ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कॉमन सा साइड इफ़ेक्ट है। एब्डोमिनल पेन की भी समस्या देखी गई है, रैसेस की समस्या देखी गई है, नौजिया की समस्या देखी गई है, हेडक की समस्या देखी गई है, वीकनेस की समस्या देखी गई है। तो जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट माने जाते हैं, काफ़ी सीवियर साइड इफ़ेक्ट उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का नहीं देखा गया है। तो आप जानते हैं इसके डोजेज़ के बारे में। हालांकि इसका जो डोजेज है वो सीवियरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लीवर की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो इसके डोजेस घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम डोजेस है वो 13 mg से 15 mg पर kg पर डे का है। इसके जो टैबलेट आते हैं वो 300 mg के भी होते हैं। तो अगर आप 300 mg से इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुबह शाम आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम डोजेस है वो 13 mg से लेकर 15 mg पर kg पर डे यानी डिवाइडेड डोजेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो डोजेज हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसके जो डोजेज हैं वो सीवियरिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आपकी सीवियरिटी, बीमारी की जटिलता काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी जो डोजेज है वो घटाया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल आप लंबे समय के लिए कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, लीवर की समस्या है या तो फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या है तो इस टैबलेट, इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लंबे समय के लिए भी किया जा सकता है।
तो अब जानते हैं इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। इसका जो मेन प्रिकॉशन है, अगर आप परसों डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद करने की सलाह दी जाती है। इसका इस्तेमाल इम्प्टी स्टोमक यानी खाली पेट नहीं किया जा सकता है। आप जब भी परसों डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल करें तो खाना खाने के बाद करें। इसका जो नेक्स्ट मेन प्रिकॉशन है वो है, अगर आप परसों डीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर मंथ आपको टेस्ट करवाने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या तो फिर गॉल ब्लडर में स्टोन की समस्या या तो फिर लीवर की समस्या है तो 3 मंथ तक रेगुलर आपको टेस्ट करवाने की आवश्यकता होगी। 1 मंथ तक मेडिसिन को चलाएं, उसके बाद टेस्ट करवाएं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना घटा है या तो फिर मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आप 3 मंथ तक टेस्ट करवाते हैं, उसके फिर नेक्स्ट 3 मंथ के बाद 3 मंथ आप गैप कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको टेस्ट करवाने की आवश्यकता होगी। लेकिन रेगुलर 3 मंथ तक आपको टेस्ट करवाने की आवश्यकता होगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटा है, मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, इसके जो इंट्रैक्शन हैं वो एंटासिड के साथ देखा गया है। एल्यूमिनियम जो मिला हुआ होता है एंटासिड, उसके साथ परसोडीऑक्सीकोलिक एसिड का इंट्रैक्शन देखा गया है। अगर आप परसोडीऑक्सीकोलिक एसिड के साथ में एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा मिली हुई है तो हो सकता है इसकी एफिकेसी कम हो जाए या तो फिर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखे। तो अगर आप परसोडीऑक्सीकोलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटासिड का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।